हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्निंग विद हर्ष। माय नेम इज हर्ष और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वर्ल्ड वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें हमें कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले कुछ रूल होते हैं कि अगर एक इक्वेशन में यहाँ पे जैसे माइनस है तो हम लोग इसे इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई नंबर है वो प्लस में है तो अगर हम लोग इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। और इसी तरह रूल नंबर 2 है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपको 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 10 ले लीजिए आप, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10/5 हो जाएगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई पे था यहाँ 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई विद x, तो इसका मतलब 5x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड जाएगा ट्रांसपोज होके, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 इक्वल टू 7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा पहले एक बार पूरा क्वेश्चन इसी तरह रिपीट कर लेंगे। और यहाँ पे 2 माइनस में है तो इस साइड हम लोग भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और हमें x इस साइड अकेला छोड़ना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x इक्वल टू यहाँ पे 7 लिख देंगे, और ये माइनस 2 था तो ये यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9। ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा क्या है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो हमारा ये 3 हमारा यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में होगा, y हमें अकेला छोड़ना है तो y इज इक्वल टू 10-3, तो 10-3 करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे तीसरे वाले में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 6 इक्वल टू जेड प्लस 2, तो हमें जेड को अकेला छोड़ना, चाहे जिस साइड भी छोड़ सकते हैं, तो इस साइड है इसी साइड रहने देते हैं, तो यहाँ पे प्लस 2 है तो इस साइड जाएगा यहाँ पे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 6-2 इक्वल टू जेड, और 6-2 कितना होता है 4, तो 4 इक्वल टू जेड हो जाएगा, और या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू 4। तो ये था हमारे कुछ एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है कैसे करेंगे, तो ये बड़ा आसान है, कुछ नहीं, पहले सॉल्यूशन डालेंगे फिर से एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब यहाँ पे एक और एडवांटेज है आपका कि यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3/7 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा जो हमने अभी रूल पढ़ा था, तो ये x इक्वल टू 17/7 और माइनस में 3/7, 17 में से 3 गया कितना बचा 14, तो x इक्वल टू 14/7। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता करनी पड़ेगी, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसका आंसर आया 2/1, जिसका मतलब होता है कि x इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x इक्वल टू 12, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे 6 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सॉल्यूशन डालेंगे 6x इक्वल टू 12 और x को अकेला छोड़ेंगे इक्वल टू 12/6 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे भी वही बात है 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे x हमारा इक्वल टू हो जाएगा 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है t/5 = 10। अब यहाँ पे t/5 आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर सबसे ज्यादा आसान यही है, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिवाइड में है 5 तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं t/5 = 10, तो t को अकेला छोड़ेंगे, यहाँ पे 10 है तो 5 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड, सॉरी 5 इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
10 × 5 तो t इक्वल टू कितना हो गया 50। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज 2x/3 = 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन डालेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और यहाँ पे डिवाइड में है 3 तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2x यहाँ पे हो जाएगा 18 × 3 तो 2x हमारा कितना हो गया 54। 18 × 3 = 54। अब x हमारा कितना रहेगा, x = यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड होगा तो 54/2 तो 54/2 करेंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, 2 × 2 = 27 से ये हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे x आएगा 27 तो 7 का आंसर है 27। एक बार बस आपको मेथड पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी से। तो 1.6 y/1.5 तो ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन हमने लगाना भूल गए। 1.6 = 7, 7 नहीं, क्वेश्चन है 1.6 = y/1.5 तो यहाँ 1.5 डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन में एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्वेश्चन इक्वल टू y/1.5 तो 1.6 × 1.5 = y तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं 1.5 × 1.6 = 6, 5 = 33 आया, 5 × 5 = 6, 7, 8 आ गया, 1 × 6 = 1 होगा तो ये आ जाएगा तो और यहाँ पे आएगा 8 × 6 = 14, 4 × 2 = 1 और यहाँ पे 240 आ जाएगा तो अब हमारा y इक्वल टू 240 नहीं होगा, ये देखिए 1.6 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है उतने डिजिट पर हम लगा देते हैं अपना पॉइंट मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे देखें 1, 2 तो ये दो डिजिट मिला के हुआ पॉइंट के पीछे, तो हम पॉइंट के पीछे से 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इस तरह से होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2.40 = y। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = 2.40, ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा था 2.40। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है क्या है, 7x - 9 = 16 तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, फिर से एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 9 माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 7x = 16 + कितना 9 तो यहाँ पे 7x हमारा कितना आ जाएगा, 16 + 9 करो कितना होता है 25। x = कितना हो जाएगा, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 25/7 हमारा फाइनल आंसर हुआ। आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों, आप कहेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हो नहीं पाएगी क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तो यही रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो x = हमारा आ गया 25/7। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 वो दैट इज 14y - 8 = 13 तो यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेंगे 14y - 8 = 13 तो यहाँ पे -8 है तो इधर जाके +8 हो जाएगा तो क्या होगा 14y = 13 + 8
14y इक्वल टू कितना हुआ हमारा 13 प्लस 8 करेंगे 21 हो जाएगा। तो ये 14y हमारा 21 है। अब y कितना होगा, तो यहाँ 14 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड, तो 21 अपॉन 14 ये होगा। तो अब यहाँ पे 14 और 21 किससे जाने हैं, 7 के टेबल से, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 3 अपॉन 2, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो यहाँ पे सोल्यूशन डालेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 17 यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6p अकेला रहेगा इक्वल टू 9 माइनस 17। तो यहाँ 9 माइनस 17 करेंगे तो बड़े में से छोटा जाएगा, और साइन किसका आएगा, 9 जो बड़ा नंबर है यानी कि माइनस का। तो यहाँ पे 6p इक्वल टू, 6 बढ़िया नहीं बना है, 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8, 17 में से 9 गया 8 आएगा, माइनस का साइन लगेगा। अब p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 8 अपॉन 6। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना हुआ माइनस 4 अपॉन 3, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 77 अपॉन 5 15। तो यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेंगे, 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो यहाँ पे पहले प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 7 अपॉन 15 माइनस 1। तो अब यहाँ पे इसका माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा हमारा। तो अब हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तो हमारा x अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 15 माइनस माइनस 15 अपॉन 15, तो ये होगा। अब x अपॉन 3 इक्वल टू 15 में से 7 माइनस किया तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 माइनस किया तो 8 आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक है, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 8 अपॉन 15। तो आई होप यहाँ का आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ का थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन हो पाए। तो यहाँ पे क्या था हमारा, x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15। अब x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 15 माइनस 8 अपॉन 15, और 3 इधर डिवाइड में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 अपॉन 1, तो इसका मतलब x इक्वल टू 15 बन जा 15, तो ये 15 आ गया, और यहाँ 8 3 जा 24, तो ये माइनस का आएगा माइनस 24 अपॉन 15, तो हमारा क्या हो जाएगा 15 अपॉन 24। तो हमारा किससे जा रहा है, 3 से, तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो हमारा x कितना आया माइनस 8 अपॉन 5, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 2.1। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप इसी तरह की वीडियो और देख सकें, और लर्नर डायरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर MDP भी मिल जाए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।